आज हम एक बहुत ही अच्छी गुजराती डिश बनाने वाले हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव लाइफ। मैं हूं प्रियंका और आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट गुजराती हांडवो। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और ये नाश्ते के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में हांडवा फ्लोर लिया है, करीबन 1.5 कप ले लेंगे। ये रेडीमेड भी मिलता है और आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब इसमें डालेंगे एक चॉप्ड ग्रीन चिली, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे 2 कप बटर मिल्क। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैं और थोड़ी सी बटर मिल्क ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है तो इसे हम ढककर करीबन आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे। अब जो हांडवा के लिए मेन इंग्रेडिएंट है वो ले लेते हैं, यानी कि लौकी। यहाँ पे करीबन मैंने 350 से 400 ग्राम लौकी ली है, उसे मैंने पिल ऑफ कर लिया है। अब इसे ग्रेट कर लेंगे तो ये रेडी है। तो करीबन आधा घंटा हो चुका है, लौकी इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए आप बटर मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल करीबन मैंने 4 से 5 कप बटर मिल्क डाली है। अब मैं इसमें लौकी के हिसाब से 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप इसे पहले से भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपके पास चटनी रेडीली अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ लहसुन की चटनी भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं ऊपर से थोड़ा सा नमक कम था तो वो डाल रही हूँ और लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो फ्रेंड्स, हांडवा बनाने के लिए हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब ले लेंगे एक पैन, उसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़े से करी पत्ता। अब हम पैन में रेडी किए हुआ मिक्सचर इस तरीके से फैला लेंगे। मिक्सचर को आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, मीडियम साइज़ का रखेंगे। अगर आपको ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो ही इसका लेयर थोड़ा सा पतला रखे। अब इसे ढककर करीबन 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। बीच में हमें इसे बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। तो 25 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो इसकी साइड देख के समझ आ ही गया होगा कि ये अच्छे से पक चुका है एक साइड से। तो इसे पलट देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। दूसरी साइड भी ढककर इसे पकाएंगे। दूसरी साइड हमें इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए पकाना है। आप चाहें तो दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने इसकी एक साइड बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रखी है तो और दूसरी साइड नॉर्मल रखी है। मैं तो इसे चाय के साथ सर्व कर रही हूँ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग लव लाइफ़।